हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इम्प्लांट रिजी 10, बॉस्टन साइंटिफिक टेक्ट्रा, इन तीनों का एक डुअल या कंपैरिजन। कौन सा इम्प्लांट बेटर है या कौन सा इम्प्लांट नहीं अच्छा है, वो इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको समझाना कि इन तीनों इम्प्लांट्स के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्योंकि मरीज़ जो इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं वो कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा इम्प्लांट चूज़ करें। तो आज हम इनके बारे में डिफरेंसेस जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट मतलब मेंस हेल्थ डिजीजेस का सर्जन, और इंडिया में सबसे ज़्यादा पिनाइल इम्प्लांट्स, सबसे ज़्यादा जस्ट नंबर नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और सबसे अच्छी गारंटी और वारंटी के साथ पिनाइल इम्प्लांट करने वाला एक स्पेशलिस्ट सेंटर है। और आई आज का वीडियो स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इम्प्लांट की। यह है इंडियन इम्प्लांट। सो इंडियन इम्प्लांट टाइप्स अगर समझे इम्प्लांट के, तो इंडियन इम्प्लांट एक मैलिएबल इम्प्लांट है। मैलिएबल इम्प्लांट मतलब कि ये इम्प्लांट का साइज़ फिक्स रहता है, ना ये इम्प्लांट छोटा होता ना बड़ा होता है, पर इसमें आप पेनिस को नीचे या ऊपर की तरफ कर सकते हो। तो पहला है इंडियन, ये है मैलिएबल इम्प्लांट। फिर दूसरा आता है रिजी 10। रिजी 10 इम्प्लांट ये है, ये इम्प्लांट भी मेड इन द US है। ये रिजिकॉन कंपनी का इम्प्लांट है, ये भी इम्प्लांट मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब कि ये इम्प्लांट भी नीचे होगा तो नीचे रहेगा, ऊपर होगा तो ऊपर रहेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मैलिएबल इम्प्लांट। और तीसरा इम्प्लांट है हमारा बॉस्टन साइंटिफिक टेक्ट्रा। तो ये है टेक्ट्रा इम्प्लांट। तो टेक्ट्रा इम्प्लांट भी मैलिएबल है, मतलब नीचे रहेगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर रहेगा। तो ये भी मैलिएबल इम्प्लांट है। तो मैलिएबल इम्प्लांट मतलब वैसे इम्प्लांट्स जो साइज़ में कम बढ़ते नहीं हैं, पर पेनिस को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर हिंज। तो कोई भी इम्प्लांट अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो इस कैपेसिटी को उसको अलाउ करता है, और इसको बोलते हैं हिंज। तो इंडियन इम्प्लांट में भी हिंज होती है, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। तो इंडियन इम्प्लांट में सिलिकॉन हिंज होती है जो नीचे ऊपर अलाउ करती है, पर इस हिंज को बोलते हैं नॉन मेमोरी हिंज। नॉन मेमोरी हिंज मतलब कि अगर आप नीचे करोगे तो ये हिंज नीचे नहीं रहेगी, जैसे ही आप छोड़ोगे ये ऊपर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं नॉन मेमोरी हिंज। रिजी 10 और टेक्ट्रा दोनों में अगर आप इम्प्लांट को नीचे करते हो तो वो नीचे रहता है, ऊपर करते हो तो ऊपर रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं मेमोरी हिंज। मेमोरी हिंज मतलब कि हिंज को याद है कि उसको किस पोजीशन में छोड़ा गया है। फिर आता है कोटिंग। तो जो ये कोटिंग है ये बहुत ज़रूरी है। देखो इंडियन इम्प्लांट तो ये नॉन कोटेड इम्प्लांट है, मतलब इस इम्प्लांट के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती, ये इम्प्लांट ऐसे ही अवस्था में आता है। इसके ऊपर हम मेरी अपनी डेवलप्ड गोविंदा 2.0 वर्जन की कोटिंग लगाते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक भी है और जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक भी है, जिस कारण से हम इंडियन इम्प्लांट को बेटर करते हैं। इसको वर्जन 2.0 बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर वर्जन 2.0 कोटिंग डलती है, पर यह कोटिंग हमको इम्प्लांट में लगी नहीं आती, इस कोटिंग को हमने अपना डेवलप किया हुआ है और हम अपने मरीजों के लिए लगाते हैं। पर जो मेन कंपेरिजन है वो है रिजी 10 और टेक्ट्रा। दोनों ही महंगे इम्प्लांट है, दोनों ही मेड इन द US है, पर जो रिजी 10 इम्प्लांट है, रिजी 10H बोलते हैं उसको, वो कोटिंग के साथ आता है। इस इम्प्लांट पे एंटीबायोटिक हाइड्रोफिलिक कोटिंग होती है, जिस कारण से इम्प्लांट का साइजिंग बेटर होता है, इम्प्लांट को डालना बेटर होता है, और जिस वजह से इन्फेक्शन रेट्स ज़ीरो होते हैं। जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है वो बॉस्टन साइंटिफिक ने लॉन्च तो किया है, पर उसकी कॉस्ट कम करने के लिए इन्होंने उसके ऊपर हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं दी। तो इस इम्प्लांट के अंदर कोई भी कोटिंग नहीं है, और कोटिंग ना होने की वजह से ये इम्प्लांट डालना ही मुश्किल है। जितने भी सर्जन टेक्ट्रा प्रमोट करते हैं वो आपको ये बात नहीं बताएंगे, पर इस इम्प्लांट में कोटिंग नहीं है। और आइडियली किसी भी अच्छा इम्प्लांट अगर आप पैसे खर्च रहे हो तो एक अच्छे इम्प्लांट में हमेशा हाइड्रोफिलिक या एंटीबायोटिक कोटिंग होनी चाहिए। फिर आते हैं हम साइजिंग पे। तो साइजिंग मतलब कि इम्प्लांट की जो लेंथ है और जो इम्प्लांट की जो गर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आती है। वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में इसलिए आती है क्योंकि हर मरीज़ का पेनिस सेम नहीं होता। आज फॉर एग्जांपल कपड़े भी खरीदने जाते हो
तो एक दुकान है जहाँ पर आपको साइज़ स्मॉल से लेकर साइज़ डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 5 XL नहीं मिलेगा, और एक दुकान है या एक शॉप है जहाँ पर आपको सिर्फ 3 साइज़ मिलेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो जहाँ आपको साइज़ की अपॉर्चुनिटी कम होगी वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को कपड़ों के अंदर फिट करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज हो तो आपको कपड़े फिट आ जाएंगे, पर जैसे आप मेरे जैसे हुए हैवी या कोई बहुत पतला पेशेंट हुआ तो फिर या तो कपड़ा बहुत टाइट रहेगा या कपड़ा बहुत ढीला रहेगा। उसी तरह इम्प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग साइज़ आते हैं, और किसी भी अच्छे इम्प्लांट सर्जन या किसी भी अच्छे इम्प्लांट में कंप्लीट साइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उस मामले में सबसे बेस्ट इंडियन इम्प्लांट है, क्योंकि ये साइज़ 9 से लेकर साइज़ 15 तक आता है। पहली बात तो सबसे पतला इम्प्लांट 9 mm का है, मतलब थिकनेस की बात कर रहा हूँ, और सबसे मोटा इम्प्लांट ये 13 है, इससे भी मोटा आता है 15 नंबर। तो कितना भी मोटा पेनिस हो वर्ल्ड का, इंडियन इम्प्लांट में उसका साइज़ अवेलेबल है। सेकेंड है साइज़ प्रोग्रेशन। साइज़ प्रोग्रेशन मतलब कि इसमें साइज़ 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 से लेकर हर आधे आधे mm पे साइज़ अवेलेबल है। उससे फ़ायदा यह है कि अगर किसी का साइज़ 12 है या 12.5 है तो एक बहुत बढ़िया फिटिंग मिल सकती है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा आपको इटालियन सूट से। आप इटालियन सूट सिलवाते हैं तो वो बिल्कुल बीस्पोक करते हैं, आपके जैसा बॉडी है वैसा बना के देते हैं हर जगह से। तो उस कारण से क्या है कि आप को सूट की फिटिंग हमेशा अच्छी आएगी। उसी तरह इंडियन इम्प्लांट क्योंकि ट्रिमेबल है, सिलिकॉन है और इसमें डिफरेंट साइजेस है, तो हम एग्जैक्ट मरीज़ का साइज़ कैटर कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट साइज़ दे सकते हैं। और क्योंकि प्रोग्रेशन जो है वो बहुत छोटा है, तो हमको अगर पेशेंट का साइज़ एक्चुअल साइज़ 12 है या 12.5 है तो हम उसको 12.5 का ही इम्प्लांट दे सकते हैं। जबकि रिजी 10 और टेक्ट्रा दोनों ही इम्प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंस है, बताता हूँ आपको। रिजी 10 जो है वो साइज़ 8 से स्टार्ट होता है और साइज़ 14 तक अवेलेबल है। 14 साइज़ भी हमने बनवाया है इंडिया में आने के बाद, पहले ये साइज़ 13 तक ही था। और इसका जो प्रोग्रेशन है वो 1 mm का है, मतलब हमारे पास साइज़ 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 है। तो क्योंकि साइज़ प्रोग्रेशन एक एक सेंटीमीटर, एक एक एमएम का है, तो इसके अंदर भी काफ़ी हमें मिल जाता है कि 12, 13 या 11, 12 में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। ज़्यादा साइज़ देने से प्रॉब्लम क्या आती है, वाइड कंपनीज़ नहीं चाहती ज़्यादा साइज़ देना, कोई भी कंपनी, चाहे वो जूते की हो, चाहे वो शूज़ की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे इम्प्लांट की हो, कि जितने साइज़ होंगे उतनी इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, उतने ही पीसेस खरीदने पड़ेंगे। टेक्ट्रा में जो साइज़ है अवेलेबल वो सिर्फ 9 to 13 है, और उसके अंदर भी सिर्फ 9, 11 और 13। टेक्ट्रा के अंदर जो है साइजिंग जो है वो 2 mm पे प्रोग्रेस करती है। इस कारण से कई बार अगर आपका साइज़ 12 है तो आपको साइज़ 11 डालना पड़ता है, जबकि आपको साइज़ 12 डाल सकता था। उससे कई बार आपको 1 mm का डिफरेंस आ जाता है डायमीटर में। और 1 mm डिफरेंस मतलब अगर आपका ये पेनिस के दो दो रॉड डलने हैं और आपने सपोज़ साइज़ 12 की जगह 11 डाला है, तो आपको 1 mm यहाँ, 1 mm यहाँ, 1 mm यहाँ और 1 mm यहाँ, टोटल 4 mm का फ़र्क आ जाएगा गर्थ में। तो इसीलिए टेक्ट्रा में कई बार प्रॉब्लम आती है, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें पेनिस छोटा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका साइज़ था 12, आप में डलना चाहिए था साइज़ 12 पर आप में डला साइज़ 11, तो आपने 1 mm नहीं खोया, आपने एक्चुअली 4 mm का साइज़ डिफरेंस या 4 mm की आपकी मोटाई चले जाती है। और ये अगेन टेक्ट्रा की एक प्रॉब्लम है। फिर आते हैं हम मेड इन। अब ऑब्वियसली मेड इन में, ये मेड इन इंडिया है, ये हमारे आगरा में बनता है इम्प्लांट, तो इस कारण से इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा सस्ता है। रिजी 10 भी मेड इन द US है, अमेरिका में बनता है, न्यूयॉर्क में। और टेक्ट्रा भी मेड इन द US है, ये टेक्ट्रा की जो कंपनी है बॉस्टन, बॉस्टन साइंटिफिक, तो बॉस्टन में ही है एक्चुअली, AMS कंपनी है, बॉस्टन से ये मार्केट होता है, बट ये दोनों इम्प्लांट्स मेड इन द US है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन कस्टमर के लिए है वारंटी। वारंटी मतलब कि अगर हम ये इम्प्लांट चूज़ करते हैं या हम ये ऐसा इम्प्लांट लगवाते हैं तो कितने साल की हमें वारंटी मिलेगी। इंडियन इम्प्लांट पे कोई वारंटी नहीं है कंपनी की तरफ से, बट क्योंकि ये इम्प्लांट सस्ता है और इस इम्प्लांट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस इम्प्लांट पर मैं अपनी तरफ से 10 साल की वारंटी देता हूँ हर पेशेंट को। 10 साल की वारंटी इम्प्लांट की भी, मतलब 10 साल की वारंटी इम्प्लांट की भी और सर्जरी की भी। अगर सर्जरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो, और इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी एक नॉन पेएबल वारंटी है, वो मेरी तरफ से मिलती है।
रिजिटेन कंपनी में जो इम्प्लांट की वारंटी है वो लाइफ टाइम है, ये कंपनी आपको लाइफ टाइम इम्प्लांट की वारंटी देती है। अगर इम्प्लांट की हिंज कमज़ोर होती है या इम्प्लांट की हिंज ब्रेक होती है, कई बार हिंज जो है ये टूट जाती है, तो वो बहुत रेयर है, पर उसके लिए भी ये आपको लाइफ टाइम, मतलब अगर आप 20 साल 25 साल भी के बाद भी आते हैं तो ये कंपनी आपको कंपनी से वारंटी मिलती है। सर्जरी, मतलब जो हमने सर्जरी करके इम्प्लांट को बिठाया है उसकी वारंटी 10 साल की है, ये वारंटी मेरी तरफ से है। 10 साल तक तो हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, 10 साल के बाद अगर आप चाहें कि मुझे इम्प्लांट चेंज कराना है, नया लगवाना है, कुछ बेटर लेना है, तो फिर सर्जिकल चार्जेस आपको पे करने पड़ते। और ट्रैक्ट्रा है, ट्रैक्ट्रा की जो वारंटी है कंपनी की तरफ से वो सिर्फ 5 साल की है, और सर्जिकल वारंटी सर्जन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ट्रैक्ट्रा नहीं यूज़ करता, इवन दो मैं ट्रैक्ट्रा के एडवाइजरी बोर्ड पे भी था, ट्रैक्ट्रा मैंने कुछ म्यूजियम में लगाया भी है, पर ट्रैक्ट्रा का वारंटी फीडबैक और साइजिंग प्रॉब्लम की वजह से आज के दिन मैं ट्रैक्ट्रा का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अगर आप मेरे से पूछे कि आप डॉक्टर साहब कौन सा इम्प्लांट प्रेफर करते हैं, तो मैं डेफिनेटली इंडियन इम्प्लांट प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अभी तक के मैलेबल इम्प्लांट्स में कॉस्ट वाइज साइजिंग वाइज मेरी जो 2.0 कोटिंग है उसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट 80-85% मरीज इंडियन चूज़ करता है, इंडियन लगवाता है, और उससे बहुत खुश भी है। और बट इस इंडियन इम्प्लांट में एक प्रॉब्लम जो कहते हैं कि ये नीचे नहीं होता, नहीं नीचे होता है इम्प्लांट, तो नीचे होता है, पर नीचे आपको अंडरवेयर पहनना पड़ेगा, अगर आप अंडरवेयर नहीं पहनेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो नीचे होता है, पेशाब करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे करके कर सकते हैं, पर ये ऊपर अपने आप हो जाएगा। अगर आप मेरे को बोलो कि मैलिएबल में आप कौन से चूज़ करोगे इंपोर्टेड वालों में से, तो मैं रिजिटेन को प्रेफर करता हूँ। कई लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब का इम्प्लांट है, नहीं मेरा कोई पर्सनल इम्प्लांट नहीं है, अमेरिका से बन के आता है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। आज के दिन रिजिटेन इम्प्लांट टेक्ट्रा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में भी यूज़ हो रहा है, यूरोप में, यूके में, इंग्लैंड में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अच्छा रिजल्ट है। कंपनी वारंटी दे रही है, बढ़िया साइजेस दे रही है, मेमोरी हिंज दे रही है, और हाइड्रोफिलिक कोटिंग दे रही है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अच्छा इम्प्लांट इन्होंने बना के भेजा है, क्योंकि ये कंपनी खुद टर्की से स्टार्ट हुई थी, इस कारण से इनको लो वॉल्यूम या लो इनकम कंट्रीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया है। ट्रैक्ट्रा एक अच्छा इम्प्लांट हो सकता था, पर ट्रैक्ट्रा में साइजिंग प्रॉब्लम है, ट्रैक्ट्रा में कोटिंग की प्रॉब्लम है, और ट्रैक्ट्रा में वारंटी की प्रॉब्लम है, इस कारण से ट्रैक्ट्रा पिछड़ रहा है। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉस्टन साइंटिफिक बीच के साइजेस भी ले आएगा, कोटिंग भी ले आएगा, और वारंटी भी ले आएगा। अगर ये तीनों लाता है तो फिर फ्यूचर में ट्रैक्ट्रा एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव इम्प्लांट हो सकता है। तो ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे इंडियन इम्प्लांट के सर्जिकल वीडियोज़, मेरे इंडियन इम्प्लांट के बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो नेट पे इजीली अवेलेबल है, लिंक्स दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, डिफरेंस समझने के लिए। इसके और भी डिटेल डिफरेंसेस है पर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, पर इसको देखने के लिए थैंक यू सो मच।